तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सही टाइम क्या है ट्रेडिंग करने का, किस टाइम पे ट्रेडिंग करा जाए तो प्रॉफिट हो सकता है, लॉस ना हो। मतलब कि दोस्तों हमारा गोल यही है कि आपको कैसे ना कैसे करके आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना, मतलब कि आपका लॉस ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपका प्रॉफिट हो, लॉस में मत रहो आप। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि किस टाइम पर आपको ट्रेडिंग करना चाहिए ताकि आपका लॉस ना हो और आप प्रॉफिट बना पाओ। तो सबसे पहले दोस्तों आप ट्रेडिंग का टाइम जानने से पहले आप ये जान लो कि देखो भाई लो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ना कुछ तो आपको टाइम बनाना पड़ेगा, यानी कि कितने टाइम पे आपको ट्रेडिंग करने हैं, कितने टाइम पे नहीं करने हैं। और एक बात दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करो। ओवर जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हो ना तभी आप ज़्यादा लॉस में रहते हो। तो क्या करते हैं हम लोग ना, गलती क्या करते हैं कि हम ओपन होते ही मार्केट में हमें मतलब कि ट्रेड लेने की जल्दी पड़ी रहती है। जैसे मार्केट ओपन हुई तो हमें या तो ग्रीन कैंडल दिखाई देगी या तो रेड कैंडल दिखाई देगी, तो हमारा माइंड दोस्तों ऐसा है कि हमें बताता है कि भाई अब ट्रेड लो। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब मार्केट यहाँ पर ओपन हुई ग्रीन कैंडल दिखाई दी तो आपका माइंड क्या कहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है, तो हम क्या करते हैं तुरंत तुरंत ट्रेड ले लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रेड बनता ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि आप समझो अगर दोस्तों आप पता है कि कहाँ पे एसल पड़े हैं कहाँ पे नहीं पड़े हैं तो आप यहाँ पे ट्रेड लोगे नहीं। तो समझो बात को दोस्तों, यहाँ पे मार्केट आपको हमेशा ट्रेड का मौका नहीं देती। मार्केट क्या कहती है कि हमें देखो, ऑब्जर्व करो। जिस तरह से दोस्तों आप मार्केट में जाते हो, आप सब्जियाँ देखते हो जहाँ पर सस्ती होती है और जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे सब्ज़ियाँ अच्छी मिल रही हैं, यहाँ से हमारा फ़ायदा है, वहीं आप ख़रीदते हो, वहीं से आप बाय करते हो। तो भाई लोग सपोज मानो कि आप मार्केट में गए सब्ज़ी लाने, कुछ भी लाने गए, तो आप मार्केट में हलते ही जो आपको आगे दिखाई देगा आप तुरंत के तुरंत उसे ख़रीदने लोगे। आप देखोगे कैसे क्या है, भाव कैसा है, सब्ज़ी कैसी है, अच्छी है, ख़राब है, क्या है, उसके बाद ही आप ख़रीदते हो सब्ज़ी को, ठीक है। वैसे दोस्तों सेम आपको मार्केट में आना है, यहाँ पर आपको देखना है कि कहाँ पर आपका सेटअप बन रहा है। आपका भी दोस्तों कोई सेटअप होना चाहिए, जब तक आपको कोई सेटअप नहीं है तब तक आप पैसे नहीं बना पाओगे। चाहे आप टाइम चेंज कर लो, चाहे आप टाइम फ्रेम चेंज कर लो, आप कोई भी तरीका अपना लो, जब तक आपका सेटअप कोई नहीं रहेगा तब तक पैसे नहीं बना पाओगे। तो आपको सबसे पहले अपना सेटअप बनाना है और आपको देखना है कि मार्केट में आते ही आपको ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे कौन सा भाव चल रहा है, मार्केट क्या कहना चाहती है, कहाँ पे डिमांड ज़्यादा आ रही है, कहाँ पे सप्लाई ज़्यादा आ रही है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। जैसे कि जब मार्केट ओपन हुई तो मार्केट यहाँ से नीचे गिरी, उसके बाद दोस्तों नीचे गिरने के बाद मार्केट यहाँ तक लो मारा। मैं आपसे बार बार कहता हूँ दोस्तों मार्केट उसी तरफ जाती है जहाँ पे एसल पड़े हुए हैं। तो आप दोस्तों बात को समझो, देखो दोस्तों यहाँ से मार्केट ओपन हुई तो मार्केट यहाँ तक इसने लो मारा, तो आप समझो दोस्तों मार्केट का जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बचा हुआ था, जो एसएल बचा हुआ था, चाहे बायर्स का हुआ चाहे सेलर का हुआ, यहीं तक एसएल बचा हुआ था, यहाँ तक मार्केट ने लो मारा और यहाँ के सारे एसएल ख़त्म हो गए। तो ऑब्वियसली दोस्तों आपको समझना चाहिए कि जब यहाँ पे नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं बचे हैं तो अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो अगर दोस्तों आपको ये पता है कि नीचे स्टॉप लॉस नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ से एक ऐसे सपोर्ट लाइन डालोगे और आप बैठ जाओगे। जब मार्केट दोस्तों यहां से मूव करेगा ऊपर की तरफ, आपको पता है दोस्तों यहां पे नीचे कोई एसएल नहीं बचा है, तो ऑब्वियसली दोस्तों एसएल कहां पे बचे हैं, यहां पे ऊपर जहां से दोस्तों मार्केट नीचे गिर रही है, यहां पर जिन लोगों ने सेल किया है दोस्तों यहां पर भी एसएल रखा हुआ है, ऑब्वियसली मार्केट उसी तरफ जाएगी जिस तरफ एसएल होंगे। तो आपको ये बात समझनी चाहिए। उसके बाद देखिए कि मार्केट यहाँ से गई ऊपर और यहाँ के जो एसएल थे इनके एसएल को खाया, उसके बाद फिर से मार्केट दोस्तों यहां से नीचे गिरी। अब यहां पे दोस्तों नीचे क्यों गिरी, क्योंकि दोस्तों यहां पे बायर्स के एसएल थे। अब देखो दोस्तों मार्केट के पास ना तो कोई ऊपर एसएल है ना तो यहां पे नीचे एसएल है, तो दोस्तों ऑब्वियसली मार्केट यहां पे क्या कर रही है, मार्केट अपना एक नया एसएल क्रिएट कर रही है। तो आपको दोस्तों बात समझनी चाहिए। ऐसे दोस्तों आपको मार्केट में आना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है क्या भाव चल रहा है, कहाँ पे सेटअप बन रहा है, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। बाकी के दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है कि आपको किस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों जब मार्केट 9:15 पे ओपन होती है, ठीक है, मार्केट 9:15 पे ओपन हुई तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान ही रखना है कि 9:15 से लेके आपको 10:30 बजे तक जो भी आपको ट्रेड मिल जाए आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहां से 9:15 से लेके 10:30 बजे तक, यानी कि 10:30 तक आपको अगर कोई सेटअप दिख जाता है आपका, जो भी आपका सेटअप हो, तो आप दोस्तों वहां से ट्रेड ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको मार्केट में आना है, पता कितने बजे आपको आना है, 1 बजे।
एक बजे से दोस्तों आपको आना है। उसके बाद आपको मार्केट में कब तक रहना है दोस्तों, आपको रहना है 2:30 तक। उसके बाद दोस्तों आपको मार्केट में हाथ नहीं लगाना है, अगर आप बिगनर हो तो, अभी सीख रहे हो तो, ठीक है। तो आपके लिए दोस्तों ये दो टाइम सही है अगर आप अभी सीख रहे हो तो। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर हमें बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है।